बीजेपी MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की हालत लखनऊ अस्पताल में अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल फैजाबाद में एक सड़क दुर्घटना में देवेंद्र प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब देवेंद्र सिंह अपनी कार से लखनऊ से गोरखपुर लौट रहे थे। रास्ते में MLC एक चाय की दुकान पर रुके थे। चाय पीने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि तभी एक बाइक सवार ने तेज रफ्तार से उन्हें टक्कर मार दी। आपको बता दें कि ये वही MLC देवेंद्र प्रताप हैं जिन्होंने UP सरकार में रहकर योगी सरकार के 5 साल संविदा नौकरी का विरोध किया है। इन्होंने योगी सरकार से पत्र लिखकर सेवा नियमावली में बदलाव नहीं किए जाने की बात कही है। इन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अगर ऐसा हुआ तो सरकारी नौकरी में आने वालों का शोषण और कदाचार बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के नाम पर उगाही शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं बीजेपी में रहकर बीजेपी का ही विरोध करने का परिणाम तो देवेंद्र प्रताप सिंह नहीं भुगत रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी को देवेंद्र प्रताप के 5 साल संविदा नौकरी के खिलाफ विरोधी सुर्रास नहीं आए, जिसका बदला लेने के लिए बीजेपी समर्थकों ने MLC देवेंद्र प्रताप पर हमला करवा दिया। न्यूज़ डेस्क।